भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले निमंत्रण भारत को दिया। इस दौरान भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 208 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए और टीम इंडिया का 6 विकेट के नुकसान पर यह बड़ा स्कोर रहा। इस दौरान भारत के लिए केएल राहुल ने 8 शतक लगाया, हार्दिक पांड्या 8 शतक लगाने में कामयाब रहे, लेकिन टीम इंडिया के जब विकेट जल्दी गिरते चले गए तब सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की पारी को संभाला। सूर्य की बात करें तो उन्होंने 25 गेंदों में 46 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव अपने 8 शतक से भले ही चूके, लेकिन टीम इंडिया के लिए उन्होंने शानदार पारी खेलकर खास योगदान दिया। सूर्य की बात करें तो उन्होंने अपनी पारी के दौरान 2 चौके और 4 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 184 का रहा। सूर्य कुमार यादव का विकेट कैमरन ग्रीन ने लिया और मैथ्यू वेड ने उनका कैच लपका और सूर्य कुमार यादव पवेलियन वापस लौटे। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का ये पहला मुकाबला मोहाली के क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 208 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। भारत के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा इस मैच में खास प्रदर्शन करने में नाकाम रहे और टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल और दिनेश कार्तिक भी सस्ते में वापस लौटे। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी नेथन एलिस ने की, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बहरहाल, क्या कुछ आपकी राय है सूर्य कुमार यादव की शानदार पारी को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।